गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। दोस्तों, मैं इनके शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे इस कोरोना के काल के अंदर। ठीक है, मास्क और 2 गज की दूरी को मेंटेन कर रहे होंगे। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और इस कोरोना के काल के अंदर उन्होंने आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप को मेरे कोड के साथ में, जिसपे आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। आप जब भी अनअकैडमी ऐप पर लॉगिन करेंगे तो वो आपसे एक रेफरल कोड पूछेगा, तो आप रेफरल कोड डाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे NKS लाइव को, और जैसे आप NKS लाइव डालेंगे आपको 10% का डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये जो चैनल है हमारा वाईफाई UGC स्टडी नेट के लिए, इस चैनल पे हम आपको नेट की तैयारी करवा रहे हैं, साथ साथ हम आपको JRF की तैयारी भी करवा रहे हैं और हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करवा रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी पोस्टें आई हुई हैं, तो आप जानते हैं कि नेट इज कंपलसरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स। सो हम लोग आपको कह रहे हैं कि आप नेट की तैयारी मत कीजिए बल्कि JRF की तैयारी कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कीजिए। तो रोज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शाम को 7 बजे मेरी क्लास रहती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, और मॉर्निंग में मेरी क्लास रहती है करंट अफेयर्स की। दोनों क्लास को आप ज्वाइन कीजिए और सुबह 7:30 से लेकर रात को 9 बजे तक हमारे अलग अलग सब्जेक्टों की क्लासें होती हैं वाईफाई UGC नेट के स्टडी चैनल के ऊपर। और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं NK शर्मा के नाम से। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है NK लाइव, NKS लाइव, और मेरा नाम है NK शर्मा से। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जब भी मेरी क्लासें होंगी हम आपको इंस्टेंटली अपडेट करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको क्या बताया कि, और दूसरी बात मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बता दूँ कि हमारी जो फीस है, जो हमारी प्लस प्रोग्राम की फीसें हैं, देखो अनअकैडमी पे क्या होता है कि आप अनअकैडमी पे हमारी यूट्यूब लाइव पे, यूट्यूब पे हमारी फ्री क्लासेस देखिए, अनअकैडमी के ऊपर भी आप हमारी स्पेशल क्लासेज हैं वो फ्री में देखिए। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वो हमारे प्लस प्रोग्राम के तहत आता है, प्लस प्रोग्राम के तहत आता है, जहाँ पे आपको एक नॉमिनल सी सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है। जैसे कि अनअकैडमी का UGC नेट अगर आप लेते हैं तो आपको 11,550 रुपये की पूरे साल भर की फीस है। उसमें भी अगर आप मेरा जो कोड है NKS लाइव लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और तो ये फीस आपकी 10,395 रुपये होगी 12 महीने के लिए, और फीस कितनी पड़ेगी, मात्र 866 रुपये। इससे सस्ता तो कुछ भी नहीं हो सकता कि 866 रुपये में आपको कहीं भी गए बिना इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको टीच करेंगे। कौन करेंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के बहुत दो दो तीन टीचर हैं, आपको मॉक टेस्ट 24/7 आपको मॉड्यूल अवेलेबल रहेंगे, क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, तो आप जब मर्जी चाहे जब क्लासेस देख सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, और रेफरल कोड हमेशा याद रखें NKS लाइव आपको लगाना है। क्या लगाना है, NKS लाइव। ठीक है मित्रों, जैसे मैंने बताया कि आप वहाँ आपको एक तीर से तीन निशाने करवा रहे हैं। ठीक है, UGC नेट, JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर वन है वो भी हम लोग करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल और स्पेशल प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने RBI इंडियन बैंकिंग की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने RBI पढ़ा था और RBI के साथ में थोड़ा बहुत हिस्सा हमने RBI का पढ़ लिया था, RBI और उसका एक्सेसरीज पार्ट यानी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, RBI का सबसे मुख्य काम ही मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या आस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके दाएं और बाएं में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग RBI का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि RBI का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1920 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, हिल्टन यंग कमेटी। उस कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1926 के अंदर, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, हम सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो 1926 में इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई, हिल्टन यंग कमेटी, जिसका दूसरा नाम क्या था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे 1934 के अंदर एक एक्ट लाया गया, RBI एक्ट, और उसके बेसिस पे 1 अप्रैल 1935 को RBI की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब RBI को जब बनाया गया था ना तो उसको एक प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाया गया था, जिसकी कैपिटल कितनी थी, 5 करोड़ रुपये थी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के रूप में, और RBI का हेड ऑफिस कहाँ था इनिशियली, कलकत्ता में। 1937 में ट्रांसफर कहाँ हो गया, मुंबई में। तो आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों को
आरबीआई को गवर्नमेंट बैंक करना चाहिए, इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया था राष्ट्रीयकरण का क्या होता है, जब कोई गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर लेती है, 100% शेयर को या मेजोरिटी स्टॉक को जब एक्वायर कर लेती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1949 को जो प्राइवेट कंपनियों के लोगों के पास जो शेयर थे वो सारे शेयर एक्वायर कर लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, और आरबीआई का हमारा राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है मित्रों, उसके बाद 1949 में ही एक्ट लाया गया, आरबीआई एक्ट 1949। ये आरबीआई एक्ट 1949 क्यों लाया गया कि जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक थे उन बैंकों को रेगुलेट कैसे करना है, उसके नियम कायदे कानून क्या होंगे, उसके लिए एक्ट लाया गया आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं, बस फटाफट हम लोग रिविजन कर रहे हैं ताकि हम लोग हमारा मेन टॉपिक जो है वहां पे हम लोग पहुंच सके। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये सब आरबीआई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आरबीआई के गवर्निंग बोर्ड के बारे में बताता हूँ दोस्तों। आरबीआई का एक गवर्निंग बोर्ड है जिसमें कुल 21 मेंबर होते हैं। 21 मेंबर में एक होते हैं हमारे गवर्नर, जो फिलहाल कौन है, शशिकांता दास। उसके अलावा 20 मेंबर इसके अंदर और होते हैं, 4 डेप्यूटी डायरेक्टर्स हैं जो आरबीआई की तरफ से होते हैं, 4 आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता और मद्रास उनके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो होंगे इसके अंदर, 10 एडिशनल डायरेक्टर्स रहते हैं अदर डायरेक्टर्स, और 2% जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जिनको अपॉइंटेड किया जाता है। इस प्रकार से 21 मेंबर का एक बोर्ड होता है जो कि इस पूरे आरबीआई को गवर्न करता है। ठीक है, ये आरबीआई की गवर्निंग बॉडी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात है, ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, लेकिन आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, वो थे सी डी देशमुख। कौन थे दोस्तों, सी डी देशमुख। आरबीआई में सबसे लंबे समय तक चेयरमैन कौन रहे, आरबीआई गवर्नर कौन रहे, वह है वी रामा राव। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक आरबीआई में 7 साल तक इन्होंने चेयरमैनशिप का पद संभाला, और सबसे कम समय तक थे अमिताभ घोष, जिन्होंने ओनली 20 डेज के लिए ही आरबीआई का पद संभाला। और एक व्यक्ति जो कि आरबीआई गवर्नर भी बने, वित्त सचिव भी बने, उसके बाद में वित्त मंत्री भी बने, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने, वो कौन थे दोस्तों, मनमोहन सिंह। ठीक है, जो 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आरबीआई की कुछ सब्सिडरी कंपनियां भी हैं, आरबीआई अपना सारा काम कुछ सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से करती है। तो आरबीआई की 4 सब्सिडरी कंपनियां हैं मित्रों, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं 4 सब्सिडरी कंपनियां, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम, आप सबको वही स्पॉन्सर है मेरे पास प्रॉपर, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGS जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण किया गया था 1978 के अंदर। ये जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं उनका जो इंश्योरेंस का काम है, ठीक है मित्रों, तो इंश्योरेंस के संबंधित जितने में काम है वो हमारा DICGS करता है। उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो रिजर्व बैंक के नोट छापने का काम है वो ये कंपनी करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आरबीआई का सारा नेटवर्क है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका काम ये संभालते हैं, इंडियन फिनटेक एंड अलाइज सर्विसेज। इस प्रकार से 4 आरबीआई की सब्सिडरी कंपनियां हैं, 2 कंपनियां और थी दोस्तों लेकिन उनको हटा दिया गया है आरबीआई की सब्सिडरी लिस्ट से, वो है नाबार्ड, जो हम लोग सेपरेटली डील करेंगे कॉर्पोरेशन के अंदर, और नेशनल हाउसिंग बैंक। ये क्यों बनाए गए थे, इनके पीछे पर्पज क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड क्या काम करती है, वो नोट प्रिंटिंग करने का काम करती है। क्या करती है दोस्तों, नोट प्रिंटिंग। ठीक है, अब कहाँ पे करती है, इनकी 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, एक मैसूर के अंदर, दूसरा सेल्बोनी के अंदर। ठीक है, सेल्बोनी कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये हमारे नोट प्रिंटिंग करने का काम करती है आरबीआई। आपको पता है आरबीआई रुपीज टू से लेके
2,000 रुपये के नोट कौन जारी करता है? हमारा आरबीआई। और कौन छाप सकता है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का नोट छाप सकती है? आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से अधिकतम आरबीआई 10,000 रुपए के नोट को निकाल सकती है। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 ये कहता है कि आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए का नोट को प्रिंटिंग कर सकती है। ठीक है मित्रों, यहां तक की बात क्लियर है। अब दोस्तों मैंने बताया कि आरबीआई रुपीज टू और उससे मोर करती है, नहीं रुपीज वन को कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो काम करते हैं दोस्तों, एक तो हमारा रुपीज वन का नोट और दूसरा कॉइन्स। ठीक है, इन दोनों को प्रिंटिंग करने का काम और मिंटिंग करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक प्रिंटिंग प्रेसेस होंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है दोस्तों SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कंपनी क्या करती है? आरबीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सिक्के होते हैं, जो रुपीज वन का नोट है, उसको प्रिंटिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रिंटिंग प्रेसेस कहाँ पे है दोस्तों? इसकी प्रिंटिंग प्रेसेस दो जगह है, देवास MP में और नासिक महाराष्ट्र के अंदर। देवास MP और नासिक महाराष्ट्र के अंदर इनकी प्रिंटिंग प्रेसेस है, जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रिंटिंग्स होती हैं और वहीं रुपीज वन का नोट भी छपता है। उसके अलावा इनकी मिंटिंग और हैं, मिंटिंग जो है ना प्रेसेस और हैं जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है। सिक्के वो क्या है? हैदराबाद, मुंबई, कैलकाटा, ऐसी कुछ चार जगह हैं जहाँ पे इनकी मिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट को सिक्के ढलाई का काम होता है। अब दोस्तों आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिकतम कितने रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है? आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से गवर्नमेंट को कितने रुपए तक के सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त है? कोई अंदाजा है आपको? जी नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट अधिकतम 1,000 रुपए का सिक्का जारी कर सकती है। कितना सिक्का जारी कर सकते हैं दोस्तों? अधिकतम 1,000 रुपए का सिक्का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी कर सकती है। ये जो बड़े सिक्के होते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ पे इंडिया में चलन में कितना है? 10 रुपए का सिक्का चलन में है। ठीक है, 10 रुपए का कोई सिक्का चलन में नहीं है, लेकिन आप कभी देखते हैं 100 रुपए का, 250 रुपए का, 500 रुपए का, 1,000 रुपए का सिक्के कब जारी किए जाते हैं? किसी की स्मृति स्पेस के अंदर, जैसे सपोज करो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर कोई सिक्का निकाल दिया, या फिर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, किसी की भी जयंती जो हमारे महापुरुष रहे हैं देश के, या उन लोगों की जयंतियों के ऊपर गवर्नमेंट ऐसे सिक्के, विशेष सिक्के उनकी स्मृति विशेष के अंदर उनके कामों को नवाजते हुए ये सिक्के जारी करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों की सेपरेट मिंटिंग प्रोसेस है, सेपरेट मिंटिंग प्रोसेस है। आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपये का नोट छाप सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिकतम 1,000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है। ठीक है मित्रों, मैंने आपको चीज बता दी कि रुपीज वन के नोट पे किसके साइन होते हैं? रुपीज वन के नोट पे किसके साइन होते हैं दोस्तों, ये बता सकते हैं आप? देखो रुपीज वन के नोट पे वित्त सचिव के साइन होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? वित्त सचिव। रुपीज वन के नोट पे दोस्तों किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के। ठीक है, दूसरी मैंने बताया कि आरबीआई की दूसरी सब्सिडियरी कंपनी कौन सी है? DICGS। DICGS क्या करती है दोस्तों? जितने भी हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा है, जो करंट अकाउंट के अंदर जो पैसा है, साथ में आपकी FD RD जो पैसा आपका है उसका इंश्योरेंस है ना, वो ये कंपनी करती है। ठीक है, ये कंपनी का इंश्योरेंस पहले आपका कितने रुपए का था? 1,00,000 रुपए का। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाई कितना कर दिया? अब 5,00,000 रुपए। ठीक है, तो इस कंपनी को इंश्योरेंस करती है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। कैसे? जैसे कोई बैंक बर्बाद हो गया या बैंक बैंकक्रप्ट हो गया। ठीक है, अभी करंट सहकारी बैंक RBI ने उसका लाइसेंस रद्द किया, तो उसके जितने डिपोजिटर का पैसा था, 99% डिपोजिटर का पैसा किसने दिया? DICGS ने दिया। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा बढ़ाता है, जब कभी बैंक डूब जाता है तो उसका पैसा 5,00,000 रुपये तक आपका सुरक्षित है। 5,00,000 से ऊपर जितना भी पैसा है उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है उसकी। ठीक है, वो बैंक डूब जाएगा तो गवर्नमेंट आपको 5,00,000 रुपये पकड़ाएगी या और फ्री। सपोज करो जैसे आपके 4,50,000 रुपये है तो 4,50,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन आपके 6,00,000 हैं तो आपको मिलेंगे केवल 5,00,000। ठीक है, दैट्स क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए
आपको सबसे पहले एक मिंटिंग, हमारी जो कॉर्पोरेशन है मिंटिंग कॉर्पोरेशन, सॉरी आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी है, आपको उस मॉनेटरी पॉलिसी को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 2016 से पहले क्या होता था, 2016 से पहले हमारी एमपीसी के नाम, आरबीआई इंटरेस्ट रेट से संबंधित जितने भी डिसीजन है, वो डिसीजन कैसे लेता था, अपने आप पे खुद एक बोर्ड बनाता था। ठीक है उस बोर्ड के अंदर जो चेयरपर्सन होते आरबीआई के चेयरपर्सन थे, और वो स्वयं इस बात का निर्णय करते थे कि इंटरेस्ट रेट कितनी होनी चाहिए। लेकिन 2016 के बाद में इस सिस्टम को चेंज किया गया। ठीक है इस 2016 के बाद में इस सिस्टम को चेंज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट से संबंधित डिसीजन है ना, वो उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, हम लोग भी उसके अंदर भागीदार रहे। तो उन्होंने क्या कहा, एक एमपीसी कमेटी बनाई, उसमें 6 मेंबर रखे गए, 3 मेंबर हमारे रहे जो कि आरबीआई से थे, और 3 मेंबर हमारे किससे रहे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आरबीआई के जो मेंबर थे उसमें एक तो आपके चेयरमैन पर्सन है जो आरबीआई गवर्नर है, ठीक है, और 2 मेंबर इनकी तरफ से और होते हैं। ठीक है इसी प्रकार से ये 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं, तो कुल मेंबर हो गए 6। इस 6 मेंबर में से अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये पोलिंग होती है, जिसमें 4 मेंबर जो बोलते हैं, ठीक है, वो डिसीजन पारित किया जाता है, यानी एक तरीके से फुल डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को यहां पे फॉलो किया जाता है। नाउ ऑल सेट, सब फ्री है। ठीक है तो एक डेमोक्रेटिक, मैं बंद ही कर देता हूँ, फोन बार बार आ रहे हैं तो बंद कर दिया मैंने इसको। तो डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग ये क्या करते हैं, एमपीसी जो है हमारी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेती है। ठीक है तो यहाँ मैंने कितने पॉइंट क्लियर किए, पहला कि इंटरेस्ट रेट से संबंधित जितना भी डिसीजन होते हैं वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है, दूसरा उसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और 3 मेंबर हमारे कौन होते हैं, जो कि आरबीआई की तरफ से होते हैं, जिसमें एक आरबीआई चेयरमैन और 2 मेंबर और होते हैं, कुल हो गए 6। और 6 में से जो मेजोरिटी डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो डिसीजन लिया जाएगा इंटरेस्ट रेट का, वो जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उनके बेसिस पे वो हमारा डिसीजन माना जाएगा। ठीक है और इस कमेटी को यानी इस एमपीसी को साल में 4 बार मिलना अनिवार्य है। 4 बार कैसे, हर क्वार्टर में एक मीटिंग होना इनकी अनिवार्य है, जिसका डिसीजन के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, कम की है, या क्या सोचते हैं ये किसी भी कंडीशंस के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, तो वो डिसीजन ये एमपीसी लेगी, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि एमपीसी में हर साल 4 बार मिलेगी। ठीक है और इट पब्लिश इस डिसीजन आफ्टर द सच मीटिंग्स कंप्राइज 6 मेंबर, 6 मेंबर में 3 मेंबर फ्रॉम द ऑफिशियल ऑफ द आरबीआई एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स आई आस्क, जो मैंने आपको पहले कहानी सुनाई है ना, वही कहानी भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है यहाँ तक आपको मैटर क्लियर है, हम लोग आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है तो हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी की कंसिक्वेंसेस क्या है। ठीक है उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो दोस्तों ये जो 6 मेंबर हैं वर्तमान में, वो 6 मेंबर कौन है, जो हमारे चेयरपर्सन हैं उस कमेटी के, शशिकांता दास आरबीआई की तरफ से, दूसरे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई माइकल देवराज त्रिपात्रा, और तीसरे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई एम के सागर। ये 3 लोग तो कौन है दोस्तों, जो आरबीआई की तरफ से अपॉइंट हुए हैं, और 3 लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनमें एक है आसिमा गोयल। आसिमा गोयल कौन है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी की काउंसिल की मेंबर है। ठीक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी की काउंसिल की मेंबर है। दूसरी कौन है, ये मिस गोयल क्या है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं। ठीक है और प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर भी हैं। अगले हैं शशांक भिड़े, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अंदर
थिंक टैंक के अंदर क्या है, यहाँ पे एक मेंबर है, सीनियर एडवाइजर है। उसके बाद में जयंत वर्मा, जयंत वर्मा फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोफेसर है किसमें, IIM अहमदाबाद के अंदर। तो ये कुल 6 मेंबर है, 3+3 जो कि हमारे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये वर्क है जिसमें ये तीन चार तो आपसे डिस्कस कर लिए थे पहले ही, ठीक है। इनमें से मैं एक को रिवाइज करना चाहता हूँ, वो क्या है, नोट इश्यू करने का पावर। देखो मैंने बताया कि ₹2 से लेके ₹2000 तक के जितने भी नोट हैं वो कौन जारी करता है, हमारा RBI जारी करता है, ठीक है मित्रों। वो किस कौन जारी करता है, हमारा RBI जारी करता है। अब RBI जो नोट जारी करता है वो किस बेसिस पे करता है, उसका कोई बेसिस होगा। तो दोस्तों 1957 में हमने एक प्रणाली अपनाई जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। MRS सिस्टम ये था दोस्तों कि RBI के पास में हर वक्त हर समय पे 200 करोड़ का रिजर्व रहना चाहिए, जिसमें से मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, मिनिमम 115 करोड़ का सुबह गोल्ड होना चाहिए, बाकी उसका फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, जो 85 करोड़ का होना चाहिए। अब हो सकता है RBI के पास में 200 करोड़ का रिजर्व भी हो या 300 करोड़ का भी हो, 500 करोड़ का, लेकिन मिनिमम गोल्ड कितना का रिजर्व है वो 115 करोड़ का है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये 115 करोड़ का जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो RBI कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, MRS का। कब फॉलो चालू किया, 1957 के अंदर। और कितना गोल्ड रखना अनिवार्य है, 115 करोड़ का गोल्ड रखना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में मैं बाकी पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेते, मनी मार्केट का एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस नहीं किया था, वो आपको बता देता हूँ। देखो जितने भी बैंक्स होते हैं हमारे, जब हम लोगों ने मनी का टॉपिक किया था, मनी के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सारे बैंकों को एक CRR और SLR के लिए एक रिजर्व मेंटेन करना आवश्यक है, ठीक है। या फिर बैंकों की नीड्स होती हैं कुछ पैसे के लिए, तो उस नीड्स के लिए बैंक क्या करते हैं, एक दूसरे बैंकों से या RBI से उधार लेते हैं, ठीक है। वो उधार लेने का जो प्रोसीजर है बैंकों का, उसको बोलते हैं लोग मनी मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, मनी मार्केट ऑपरेशंस। ज्यादा क्लियर है आपको। अब मनी मार्केट ऑपरेशंस के लिए क्या करते हैं, एक दिन से लेके 14 दिन तक का पैसा उधार दिया जाता है सिस्टम में, एक दिन से लेके 14 दिन तक का पैसा इस सिस्टम में उधार दिया जाता है, जिसमें जिनको हम लोग कॉल मनी नोटिस मनी बोलते हैं ना, कॉल मनी और नोटिस मनी, ये इनको शब्द यूज किया जाता है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट का, जो हम करेंगे हमारा सेगमेंट, वहां पे हम मनी मार्केट को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको, तो इस मनी मार्केट को ऑपरेट का रेगुलेटर कौन है, वो भी RBI है, ठीक है। यहाँ से इतना समझ लीजिए कि मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, RBI है। लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब जब किसी बैंक को कोई पैसा उधार में नहीं मिले या कोई उसकी मदद नहीं करे, ठीक है, तो उस समय उसकी लास्ट पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा होकर उसकी मदद करता है वो है RBI, ठीक है। RBI लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट है गवर्नमेंट के लिए भी और बैंकों के लिए भी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट। उसके बाद में कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। आप जानते हैं दोस्तों, देश में जितना भी फॉरेक्स रिजर्व आता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, किसी भी माध्यम मतलब चाहे वो रेमिटेंसेस के माध्यम से आए, एक्सपोर्ट के माध्यम से आए, या फिर IMF या वर्ल्ड बैंक की कोई स्कीम के माध्यम से आए, या वो डोनेशन के माध्यम से आए, तो सारा का सारा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास में रहता है, RBI के पास में, और RBI उसका क्या है, कस्टोडियन है। दोस्तों मैंने आपको बताया था मनी एंड बैंकिंग के अंदर कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, उस फॉरेक्स रिजर्व को तीन कैटेगरी में बटा, मतलब फॉरेक्स रिजर्व के बेसिस पे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ती है या कम होती है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक देखना होगा, ठीक है। इश्यू उसके बाद में हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा, इश्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो हम लोग आज डील करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ये चीज़ें होती है। अब आते हैं दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। तो मॉनेटरी पॉलिसी को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझा दूँ। देखो जो भी जैसे मान लो इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो तरह की पॉलिसी इश्यू करती है। एक होती है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, और दूसरी उसकी फिजिकल पॉलिसी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है मित्रों। अब क्या है, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना,
इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी है, उस इकोनॉमिक पॉलिसी को जारी कौन करता है? आरबीआई। किस रूप में जारी करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को इश्यू करने वाला कौन है? आरबीआई है, जिसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। यानी मुद्रा के आसपास की जो संभावनाएं हैं या मुद्रा के आसपास की जो व्यथा को गाता है वो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों की जाती है? देखो दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था का एक आधार है मुद्रा, और उस मुद्रा के कंडीशंस को बेसिस में ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या निकालते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे सर? थोड़ा समझाएंगे समझाएंगे। देखो आपको पता है मनी एंड बैंकिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि मुद्रा का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सपोज करो ये कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है, गुड्स है कुछ क्वांटिटी रूप में मान लीजिए, और ये हमारी है मनी। ठीक है, ये मनी है पहला एग्जाम्पल, और दूसरी मनी है ये दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, मनी सेकेंड, M2 बोल दीजिए इसको। अब ये गुड्स हैं, इन गुड्स के सामने इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो ये जो एक्सेस पैसा है ना दोस्तों, ये पैसा एक्सेस मनी विल चेज इन गुड्स को चेज करेगी। तो जब ज्यादा पैसा किसी गुड्स को चेंज करेगा, तो मैं गया हूँ गुड्स लेने के लिए 10 रुपए में, फिर आप गए, नहीं मैं 11 दे दूंगा, फिर कोई गया 12 रुपए दे दूंगा, कोई बोला 13 दे दूंगा, तो इससे क्या होगा? इन गुड्स की जो प्राइजेस है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को एक्सेस मनी सप्लाई बोलते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है जिससे कि मनी सप्लाई कम हो जाए मार्केट में और एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर पे आ जाए। ये पहला केस हो गया जहां पे एक्सेस मनी है। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है ना कि मार्केट में उस समय मनी सप्लाई कम हो, लोगों के पास पैसा ही नहीं हो, जैसे भी कोरोना काल में हुआ, लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं रहा, तो उस समय क्या किया आरबीआई ने? एक्सेस मनी प्लंस की। अब ये मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी, तो जब पैसा सिस्टम में कम रहता है ना दोस्तों, तो पहला तो उसमें ये ध्यान रखना कि जो पब्लिक होती है वो हमारी इसेंशियल गुड्स पे पैसा खर्च करती है। इसेंशियल गुड्स जो नहीं, उसकी जरूरत की चीजें होती हैं, केवल उसी पे पैसा खर्च करती है। अब ये गुड्स है, ठीक है, मनी कम है गुड्स ज्यादा है, तो क्या होगा? एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इन गुड्स की प्राइजेस आना कमाना शुरू हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन, अपस्फीति। ध्यान रखना, एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा स्फीति का ऑप्टिमम, मतलब मुद्रा स्फीति में इन्फ्लेशन होनी चाहिए, लेकिन अपस्फीति उनके लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति है, जहां पे ना सिर्फ रोजगार जाते हैं बल्कि प्राइजेस और गुड्स की रेट भी नीचे आना शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि मनी सप्लाई का क्या रोल रहता है। तो जब आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी इश्यू करता है तो वे देखता है कि मनी सप्लाई मार्केट में एक्सेस है या कम है। मनी सप्लाई को मैंने आपको पढ़ा दिया सेपरेटली, ठीक है, ठीक है। मनी सप्लाई को मैं आपको सेपरेटली पढ़ा चुका हूँ कि मनी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हमारा M1, M2, M3 और M4 क्या क्या होते हैं, इसके बेसिस पे मनी का मेजरमेंट किया जाता है। तो मनी सप्लाई में क्या क्या चीज शामिल है ये आप हमारे मनी एंड बैंकिंग वाले जिस सेगमेंट में, मनी में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी देखती है। ठीक है, दूसरा वो क्या देखती है? उस वक्त इन्फ्लेशन कितनी है, ठीक है, उसके बाद में जॉब की ग्रोथ कैसी है, ठीक है, मार्केट में जॉब क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके बाद देश की जीडीपी की पोजीशन क्या है, ठीक है, और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में वो उतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम लोग मनी मॉनेटरी पॉलिसी को इश्यू करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही कहानी लिखी हुई है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी टू कंट्रोल। अब ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है हमारी? आरबीआई। आरबीआई टू कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट, कितनी होनी चाहिए इन द नियर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक
ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट पेबल फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई क्यों, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन को कम या बढ़ा मतलब कम किया जा सकता है, ठीक है, कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, तो इन्फ्लेशन मनी सप्लाई देखने के लिए। तीसरा इंटरेस्ट रेट कितनी होनी चाहिए ताकि हमारी प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है, प्राइजेस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स है ना, गुड्स की प्राइजेस वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर रुपए की कीमत होती है जब वो पैसा लिया जाता है। अगर वो 4% में पैसा मिलेगा तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी, अगर वो 8 में मिलेगा तो उसकी कॉस्टिंग उससे ज़्यादा, 16 में मिलेगा तो उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इन द इंटरेस्ट रेट की बेसिस के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात में एक आम पब्लिक के बीच में एक जनरल ट्रस्ट रहे कि हमारे पैसे की बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो, ठीक है, मनी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो, तो इन सब बातों को देखा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए पहला पॉइंट, दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के आसपास ही मॉनेटरी पॉलिसी घूमती है। दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो उससे सीधा इम्पेक्टेड हो जाएगी। कैसे होगी दोस्तों, सपोज करो कि हमारी ग्रोथ रेट है 10% लेकिन हमारी इन्फ्लेशन है 11%, तो जो हमारी रियल ग्रोथ रेट है ना वो नेगेटिव में आ जाएगी। अगर 10% की इन्फ्लेशन है और 10% की ग्रोथ है तो भी हमारी रियल इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट है वो हमारी नेगेटिव में आ जाएगी। इसलिए जो हमारी ग्रोथ रेट है उससे नीचे इंटरेस्ट रेट रहनी चाहिए। इसके लिए जो हमारा RBI है वो एक पॉलिसी लेके आया है, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड पॉलिसी, ओ सॉरी इन्फ्लेशन से रिलेटेड पॉलिसी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड पॉलिसी। वो क्या है दोस्तों, RBI ने क्या कहा कि हम लोग इन्फ्लेशन के लिए एक टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए एक टारगेट लेके चलते हैं, कितना टारगेट, 6% का, सॉरी 4%। RBI इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रखता है, 4%। मतलब कहने का अर्थ ये है कि RBI ने कहा कि हम लोग जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे उस पॉलिसी में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ रेट है मतलब इन्फ्लेशन कितनी रहनी चाहिए वो 4% के आसपास रहनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग इस 4% में भी एक लिमिट लगा देते हैं, नीचे की तरफ से 2% और ऊपर की तरफ से 6%, यानी इस दौर में अगर इन्फ्लेशन है CPI को हम लोग डील करेंगे इन्फ्लेशन के अंदर की। CPI क्या होता है, फिलहाल ये समझ लीजिए कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स है हमारा, ये दिखाता है कि इंटरेस्ट हमारी जो महंगाई है वो कितनी हो रही है। तो अगर इसके बीच में है तो RBI क्या करेगा, एक साधारण मॉनेटरी पॉलिसी निकालेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा लिमिट है जो अब्जॉर्ब की जा सकती है आम पब्लिक के द्वारा। ध्यान रखना किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हमेशा इन्फ्लेशन होना आवश्यक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होना आवश्यक नहीं है लेकिन कुछ इन्फ्लेशन होना यहाँ पे हमेशा आवश्यक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 4% क्या हुआ हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है, तो RBI ने एक 4% की इंटरेस्ट रेट डिसाइड की। उसके बाद में कब कहा कि हम लोगों ने लिमिट 6% तो हमारी अपर लिमिट रहेगी और लोअर टॉलरेंस लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, 2%। अगर इस कंडीशन से बाहर अगर इन्फ्लेशन जाती है तो फिर RBI क्या है, स्पेशल मेजर्स लेता है, स्पेशल नियम बनाता है ताकि मनी सप्लाई कम हो या ज़्यादा हो जिससे कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो वापस उस लिमिट के अंदर आ सके। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, इसको उन्होंने एक पीरियड दिया कि हम लोग 5 अगस्त 2016 से लेके 31 मार्च 2021 तक हम लोग मानेंगे 4% की इन्फ्लेशन की ग्रोथ रेट। अब 31 मार्च 2021 के बाद में इस इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से संबंधित जो पॉलिसी है RBI की उसको रिवाइज करनी है। अब उसके बाद में RBI फिर एक अपना नया आंकड़ा देगा, सपोज करो 6%, बोले अब लोग 6% की इन्फ्लेशन को मान के चलेंगे, नीचे 3% अपर साइड में 8%। तो वो RBI की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कंडीशन के हिसाब से क्या निर्णय लेता है, ठीक है। फिलहाल आज की तारीख में वर्तमान स्थिति में यह है कि हम लोग इसको 4% मानेंगे, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन की कहानी होगी, ठीक है, ये इन्फ्लेशन कम रहनी चाहिए, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर रहनी चाहिए, उसके बेसिस पे देखा जाता है मनी सप्लाई, प्राइस स्टेबिलिटी, क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बता ही दिया क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जितनी एक्सेस मनी जनरेट होगी ना, एक्सेस मनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत सारा पैसा छाप के मार्केट में विड्रॉ कर जारी करते हैं अपनी हाई पावर्ड मनी, जो मैंने आपको बताया था हाई पावर्ड मनी क्या होती है कि हाई पावर्ड मनी बहुत ज़्यादा इश्यू करते हैं। क्यों, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई पावर्ड मनी इश्यू कर देंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी,
आपको जो आज चाय का कप 5 रुपए का मिलता है ना, वो हो सकता है आपको 20 रुपए का, 50 रुपए का या 100 रुपए का मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई एक्सेस हो गई। इसलिए आरबीआई जॉब ग्रोथ को, हमारे देश की ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को मेजर करके एक स्टेबल मनी सप्लाई मार्केट में रहे, वैसा प्रयास आरबीआई करता है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, जॉब ग्रोथ। फिर एक आता है प्रमोट इन्वेस्टमेंट सेविंग। इन्वेस्टमेंट और सेविंग को प्रमोट क्यों किया जाता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा? देखो, जितना भी ज़्यादा जिस देश में जितनी ज़्यादा सेविंग्स की आदत होंगी, जितना ज़्यादा सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा होगा, वो पैसा घूम के कहाँ जाएगा दोस्तों? बैंकों में जाएगा। ठीक है, फिर बैंक इस पैसे का क्या करेंगे? मैंने बताया था बैंक के पास जो पैसा आता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो आरआर रिक्वायर्ड रिजर्व चला जाता है और दूसरा ईआर एक्सेस रिजर्व है। तो जो एक्सेस रिजर्व का पैसा है आरबीआई उसको क्या करता है? मनी सप्लाई में काउंट करता है। मनी सप्लाई के जो कमर्शियल बैंक है, इस पैसे को हम लोग मनी मल्टीप्लायर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये पैसा 3 गुना 5 गुना तक बन जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान इसलिए निकाले जाते हैं कि देश के लोगों के पास में एक संचय की पूंजी हो और वो पैसा जब बैंक में जाए तो मनी सप्लाई वहां से इम्पेक्टेड हो जाए। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारी ग्रोथ रेट। ठीक है, कि आरबीआई इस चीज के लिए ग्रोथ रेट को भी फोकस करता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आपको क्लियर है? कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो हम लोग आगे बढ़े। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, एक आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। जब भी आरबीआई की पॉलिसी आती है ना, तो आरबीआई गवर्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यूट्रल पॉलिसी, न्यूट्रल स्टांस, कैलिब्रेटेड स्टांस, अकोमोडेटिव स्टांस, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस और हॉकिश स्टांस। न्यूट्रल स्टांस का मतलब क्या होता है कि आरबीआई गवर्नर न्यूट्रल स्टांस शब्द यूज करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये हमारा न्यूट्रल स्टांस है। मतलब हमें आज नहीं पता हम लोग कल क्या करेंगे, जैसी कंडीशंस रहेगी उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करेंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा कैलिब्रेटेड स्टांस। कैलिब्रेटेड स्टांस को टफ मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोलते हैं ना, कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम नहीं करेंगे साहब। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस है नहीं कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को कम करें, और नई ऐसी कंडीशन हमें नियर फ्यूचर में दिख रही है, तो इंटरेस्ट रेट को अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग बढ़ाएंगे, नहीं कम तो नहीं करेंगे। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या है दोस्तों? कि इन फ्यूचर में, ये क्या है कि भाई फ्यूचर के अंदर आज की तारीख में तो मौसम सही है और सही होता है, इकोनॉमिक का वातावरण, इंडिया का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और सही होता है, इंडिया का इकोनॉमिक मौसम और भी सही होता है, तो हम लोग फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है मित्रों, बढ़ाएंगे नहीं लेकिन कम कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? अकोमोडेटिव स्टांस हो गया। उसके बाद में आता है दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस को आप ये समझ लें कि जो स्टांस आरबीआई ले रखा है अचानक उससे पलट जाए। नॉर्मली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस को हम लोग कैलिब्रेटेड स्टांस में ही मानते हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी कैश में क्या होता है, ज़्यादातर इंटरेस्ट रेटें बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, मनी सप्लाई को कम किया जाता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टेंस क्या होता है मित्रों? जब आरबीआई को ये लगता है कि इन फ्यूचर का जो समय है वो काफ़ी मुश्किल भरा है, ठीक है, काफ़ी तकलीफ में भरा है, तो आरबीआई क्या करेगा, वहाँ पे हॉकिश हो जाएगा। यानी एक जैसे हमारा बाज होता है ना चौकन्ना, उसी तरीके से आरबीआई चौकन्ने की नीति बनाएगा और हर कदम में मनी सप्लाई कितनी करनी है, इंटरेस्ट रेट कितनी करनी है, वो सोच समझ के कदम उठाता है वहाँ पे। उसको बोलते हैं हम लोग हॉकिश स्टेंस। ये शब्द क्यों यूज होते हैं? जो हमारे इकोनॉमिक्स एडवाइजर्स होते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं, वो आरबीआई की पॉलिसी के बाद में इन शब्दों का मीनिंग निकालते हैं। जब कभी भी आप अखबार पढ़ोगे, जब कभी भी आप टीवी देखोगे, तो इन शब्दों का प्रयोग बार बार होता है। ये शब्द इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर आरबीआई का रुख किस जैसा रहेगा, यानी अकोमोडेटिव रहेगा, मतलब आरबीआई फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, कैलिब्रेटेड रहेगा तो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी, बढ़ेंगी। इस तरीके से स्टेंस का हम लोगों से पता लगा कि हम लोग क्या आरबीआई की थॉट प्रोसेस है फ्यूचर के अंदर, वो हम लोग डील करते हैं।
ठीक है मित्रों, तो अब हमारा जो इस मॉनेटरी पॉलिसी का अगला पॉइंट क्या है, आज की क्लास में हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में हम लोग इन पॉइंट में से एक एक पॉइंट को डील करेंगे। देखो मैंने बताया कि आरबीआई मनी सप्लाई को कम करेगा या ज्यादा करेगा, इन्फ्लेशन को कम करेगा या ज्यादा करेगा, उसके लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कुछ इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक तरीके से औजार मान लीजिए आप देसी भाषा में, ठीक है, ये ऐसे औजार हैं जिनके बेसिस पे आरबीआई मनी सप्लाई को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है या एक्सेस करता है। यहां तक बात क्लियर है? बोलो सर क्लियर है, आगे बताओ। ये हो गई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह के मेजर्स लिए जाते हैं, एक मेजर है दोस्तों क्वांटिटी मेजर, दूसरा मेजर है क्वालिटी मेजर। क्वांटिटी मेजर को बोलते हैं परिमाणात्मक और क्वांटिटी मेजर को बोलते हैं हम लोग हिंदी में चयनात्मक। बात क्लियर है? क्वांटिटी मेजर यानी परिमाणात्मक मेजर को उनको बोलते हैं जिनका डिसीजन आज हमने लिया और कल से ही उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाए, इंस्टेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाए 24 घंटे के अंदर। ऐसे इफेक्ट कौन से हैं दोस्तों? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, स्टेच्यू लिक्विड रेशियो, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे मॉनेटरी टर्म वाले हैं, यानी अगर इंटरेस्ट रेट को इनकी कम और ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई तुरंत इंपैक्टेड हो जाएगी। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो को हम लोग आगे डील करेंगे, SLR को, रेपो को, रिवर्स रेपो को, इन सब पॉइंट्स को हम लोग एक एक पॉइंट्स को डील करेंगे आगे, कि इनमें किस किस को शामिल किया जाता है, किसको CRR कहा जाता है, किसको SLR कहा जाता है, किसको रेपो कहा जाता है, किसको रिवर्स रेपो कहा जाता है, किसको MSF कहेंगे, किसको OMO कहेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग आगे डील करेंगे अगले क्लास के अंदर। उसके बाद आते हैं दोस्तों क्वालिटी मेजर, ठीक है, गुणात्मक, यानी ऐसे मेजर्स जिनका इम्पैक्ट ओवर द टाइम आए, यानी इन फ्यूचर में धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आए, जैसे क्रेडिट कंट्रोल कर दे आरबीआई ऊपर से। अभी जैसे आपने सुना है कि देना बैंक, IDBI बैंक आदि, इनको क्या कर दिया गया था, PCA की कैटेगरी में डाल दिया था, प्रमोट जो हमारा क्रेडिट पॉलिसी के अलग से निकाल देगी, उनको कहा गया कि आप केवल होम लोन देंगे या एक ये लोन देंगे, पुराना लोन नहीं देंगे, उसको लोन नहीं देंगे। तो आरबीआई ने क्या किया, एक राशनिंग कर दी एक तरीके से, इन बैंकों को कह दिया कि आप होम लोन तो दे सकते हो लेकिन बाकी लोग नहीं दे सकते। तो आरबीआई को लगा कि आने वाला कंडीशन समय खराब है, तो इन लोग बैंकों को मुझे बचाना है, तो एक क्रेडिट कंट्रोल की नीति उन्होंने निकाल दी। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा सकती है कि भाई आप जैसे गोल्ड के लिए होता है कि आप पहले 70% था, आप 90% कर दिया, इतना रिजर्व रख के ही आप बाकी पैसा देंगे, या प्रॉपर्टी के नियम जैसे हमारे होते हैं कि लोन में हम लोग 90% तक लोन दे सकते हैं, 80% तक लोन दे सकते हैं, इस प्रकार से कोई नियम बना सकते हैं। उसके बाद होता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आरबीआई ने कहा बैंकों की आपको 100 रुपये का अगर आप लोन बांटोगे ना, उसका 20 रुपये तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर को दोगे, ठीक है, 8 रुपये आप दे दोगे हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, 2 रुपया आप किसी और को दोगे, 4 रुपया किसी और को दोगे। इस तरीके से आरबीआई ने कहा कि ये 40% पैसा तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे बांटना है, बांटना किनको है वो आप निकालना है, लेकिन बांटना आपको ऐसे है, और बचा हुआ 60 रुपया आपको बड़े लोगों को देना है, जो बाकी लोगों को। अगर ऐसा नियम नहीं हो दोस्तों तो उसमें क्या होगा, ये सारे बैंक अपनी मनमर्जी से नीचे वाले तबके को लोन नहीं देंगे बल्कि ऊपर वाले ही तबके को लोन देंगे। तो इसलिए इस क्रेडिट राशनिंग लेके आई जाती है ताकि हर सेक्टर को लोन का पैसा पहुंचा जा सकता है। और अगला पॉइंट है दोस्तों मोरल राशनिंग। मोरल जो है प्रेशर्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिकतम लोग, मतलब वो एक तरीके से उनको मोरल बॉन्डिंग की जाती है कि आप अच्छे से लोन दो, अच्छा काम करो, मनी सप्लाई करो, वो सब होता है हमारा मोरल, ठीक है, मोरल सपोर्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि दो तरह के हमारे मेजर्स होते हैं, एक क्वांटिटी मेजर्स और दूसरा होता है दोस्तों क्वालिटी मेजर्स। क्वांटिटी मेजर्स में CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, इसको हम लोग डील करेंगे, और क्वांटिटी मेजर में कैश रिजर्व रेशियो, स्टेशनरी लिक्विड रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सब जो है ना दोस्तों हम लोग कल की क्लास के अंदर डील करेंगे कि किस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को क्लियर करें। ठीक है, तो आज की पॉलिसी में हम लोगों ने आरबीआई का कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसके बाद में हमने MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिशन डिस्कस की, उसके बाद में हमने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करी, मॉनेटरी पॉलिसी के एस्पेक्ट डिस्कस किए, फिर उसके बाद में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं चयनात्मक और गुणात्मक उनको डिस्कस किया है। अब अगले टॉपिक में चयनात्मक और गुणात्मक के अंदर जो CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो हैं उनको हम लोग एक एक को डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए आप कहीं भी नहीं जाएं, 7 बजे रोज शाम को 7 PM के ऊपर आप मेरी जो क्लास होती है उसको आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और 7:30 पे मेरा आता है करंट अफेयर्स, 9:30 पे मैं लेके आता हूँ आपके लिए इकोनॉमिक करंट अफेयर।
ठीक है, इन दोनों क्लासेस को आप जरूर अटेंड कीजिए दोस्तों। या तो मैं आपको 7:30 में मिलूंगा या मैं आपको 9:30 में मिलूंगा, दोनों क्लासों में एक क्लास में मेरी हाजिरी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों। और यूजीसी नेट की जितनी भी तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए आप हमारा प्लस प्रोग्राम लीजिए, उसमें हमारा कोड है NKS लाइव। याद रखें दोस्तों, अपने अपने मित्र मिलने वालों को बताएं NKS लाइव मेरा कोड है, जिससे आगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।